अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी उपचुनाव की तैयारी तेज कर चुकी है। बात की जा रही है आज जो लगातार हम लोग सर्वे कर रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। मिल्कीपुर विधानसभा सीट इसलिए खास हो जाती है कि अयोध्या से जो सांसद जीत के आए हैं अवधेश प्रसाद जी इससे पहले मिल्कीपुर विधायक रहे हैं। तो मिल्कीपुर में अयोध्या हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। और आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी भी अयोध्या लोकसभा सीट जीतने के बाद में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। ऐसे में मिल्कीपुर जो सीट है अयोध्या की ये सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चित सीट हो जाती है और पूरे भारत में इस सीट की चर्चा तेज हो गई है। यहाँ पर बीजेपी इस बार पूरी कोशिश में है कि यहाँ पर अवधेश प्रसाद को हरा के अपनी हार का बदला लिया जाए। और समाजवादी पार्टी जो जीत से उत्साहित है वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। हमारे साथ में आप देख रहे हैं मिल्कीपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार इससे पहले भी मिल्कीपुर विधानसभा को कवरेज करते रहे हैं। हम मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा की एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मिल्कीपुर विधानसभा के जो लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर प्रत्याशी बदलते रहे हैं। यानी कि जैसे कि इससे पहले अवधेश प्रसाद एक बार विधायक थे यहाँ से, फिर गोरखनाथ बाबा यहाँ से बीजेपी के विधायक बने, उसके बाद फिर यहाँ से अवधेश प्रसाद जीते थे। यानी कि बार बार यहाँ पर बदली जा रही है, जो भी प्रत्याशी है उसको बदला जा रहा है और पार्टियों को भी बदला जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, राहुल क्या कहेंगे मिल्कीपुर के बारे में? लगातार कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं, बहुत लोग बीजेपी के लिए कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या है कि आप लोग कमेंट करते रहिए, इससे एक आइडिया लगेगा मिल्कीपुर जो है किसके पाले में जा रहा है। और लगातार हम लोग सर्वे करने वाले हैं, मिल्कीपुर हम पहुंच चुके हैं और हमारी टीम लगातार मिल्कीपुर विधानसभा को कवरेज करने वाली है। और क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी हमारे दर्शक हैं, आप लोगों ने भी जो लोग मिल्कीपुर से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हमेशा बदलाव रहा, क्योंकि ये आरक्षित सीट है। उसके बाद में यहाँ लगातार अवधेश जी यहाँ से विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, उसके बाद में वहाँ से जो गोरखनाथ बाबा हैं उनकी भी काफ़ी पकड़ है और जनता में उनकी काफ़ी मजबूती से पकड़ है, हर वर्ग में वहाँ वो लोग उनको काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है मिल्कीपुर का, जो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब से अयोध्या से अवधेश जी जीते हुए हैं तब से माहौल बिल्कुल गर्म है और यहाँ से जो बीजेपी है बिल्कुल फॉर्म में है। इस बार जो यहाँ का चुनाव है बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। क्या अवधेश प्रसाद के जो लड़के यहाँ से लड़ सकते हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या लग रहा है कि मामला कांटे का रहेगा, क्या आप सोच रहे हैं? जैसे कि अभी जो जनता से निकल के बातें आ रही, जो चर्चाएं चल रही हैं अभी तक, कि अवधेश जी लगे हुए हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाता है तो इस बार उनको वहां से विधायक बना के ही छोड़ेंगे, तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दोस्तों आप लोगों से मैं कहूंगा, जितने भी हमारे दोस्त मिल्कीपुर से जुड़ गए हैं, हम लोग लगातार मिल्कीपुर को कवरेज कर रहे हैं, लगातार मिल्कीपुर से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों जहाँ स्ट्रीम मीडिया जो है, जो टीवी मीडिया है, वो एक स्टूडियो में बैठता है और वहां से बैठकर बात करता है, कुछ भी अपने हिसाब से वो बताता रहता है, लेकिन जो हमारी टीम है वो लगातार धरातल पे है, जमीन पर है, जमीनी स्तर पर आपके बीच में पहुंच रही है, लगातार कवरेज कर रही है। हम लोग क्या धरती पर है और जो सच्चाई है उसको दिखा रहे हैं, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसको दिखाया जा रहा है, जो आप लोगों से बात होगी आगे चलकर वो दिखाया जाएगा। तो जो मामला है मिल्कीपुर का काफी ज्यादा कड़ा हो जाता है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर पर है। जी, जैसा कि मिल्कीपुर पे पूरा जो फोकस है इस बार बिल्कुल बैठक हो रही है, प्रत्याशी कौन उतारा जाए कि वो जीत में बिल्कुल आंकड़ा पार कर जाए और अच्छे वोट से जीते। बीजेपी भी मंथन कर रही है इस पे। और बात करें समाजवादी पार्टी की, तो अवधेश जी बिल्कुल लगातार अपने बेटे के लिए वहाँ पर आवाज उठा रहे हैं कि इनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जनता में भी अभी कुछ जो बातें निकल के आ रही हैं सामने, वहां पर कई प्रत्याशी दावेदार हैं, देख रहे हैं बिल्कुल काफिले एक साथ निकल रहे हैं, कई सारे प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग प्रत्याशी जो है वो दावेदार है, अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और जनता के बीच में पहुंच रहा है। अगर बात की जाए मिल्कीपुर में जो मौसम है इस समय, बहुत ही सुहाना मौसम है चुनाव को लेकर भी, और मौसम आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे, वो मौसम भी बहुत सुहाना है। तो मिल्कीपुर जो अयोध्या की शान है
और अयोध्या हारने के बाद बीजेपी की निगाह मिल्कीपुर पर है, तो बहुत ही जबरदस्त चुनाव ये होने वाला है। दोस्तों आप लोगों के कमेंट आते जा रहे हैं, बहुत मुझे हमें अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करते रहिए। आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है, कौन किसको टिकट मिलना चाहिए, आप बताते रहिए। बाकी जो टक्कर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आ रही है, क्या आपको लगता है कोई तीसरी पार्टी यहाँ बाजी मार सकती है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम देखेंगे। और राहुल क्या कहेंगे और मिल्कीपुर के बारे में, जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है इस बार आसान नहीं होने वाला है, जैसे कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं नीचे, कोई लिख रहा है सपा फिर से यहां से जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा यहां से सफा हो जाएगी कमेंट में, और बीजेपी भी बिल्कुल दावे के साथ मजबूती से फुल फॉर्म में है, बिल्कुल वहां पर पूरा जी जान लगा देगी इस सीट के लिए, बिल्कुल मंथन जारी है, वहां पर जनता भी बिल्कुल इंतजार में है जल्दी यहां पर चुनाव हो और जल्दी हम लोग वोट दें और जाएं अपने प्रत्याशी को जिता के। जनता बहुत उत्साहित नजर आ रही है मिल्कीपुर की, और हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स भी इसी तरीके से कमेंट भरता जा रहा है। दोस्तों आप लोगों से एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ में जितने भी लोग शेयर करेंगे मिल्कीपुर के और लोग भी फिर कमेंट करेंगे, एक जो निश्चित आंकड़ा निकल के आएगा आपके कमेंट के आधार पर, वो सर्वे जिस तरीके से हमने अयोध्या का दिखाया था कि अयोध्या में आप जो आप हमारे जाएंगे चैनल पर देखेंगे, तो जो हमने सर्वे दिखाया था अयोध्या और अम्बेडकर नगर सीट को लेकर, लोकसभा सीट को लेकर, वही रिजल्ट आया था। तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो उससे आंकड़ा निकलता रहेगा, और आप लोग जब शेयर करेंगे तो आपके जो दोस्त हैं वो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को और कमेंट करेंगे, तो आप लोग शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके आसपास की खबरें हमारे चैनल में मिलती रहेंगी। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी, मिल्कीपुर की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं गोरखनाथ बाबा और अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट मिल जाता, जो कि सूत्रों के हवाले से एकदम क्लियर बात पता लग रही है। जी जी बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच अगर चुनाव होता तो क्या लगेगा आपको? देखिए इन दोनों के बीच अगर चुनाव हो जाता है तो बीजेपी भी फुल फॉर्म में है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अवधेश भी पूरी ताकत लगा दिए हैं, इस बार बात निकल के आ रही, बड़े बड़े दावे हैं, और अयोध्या के राजा भी हो चुके हैं अवधेश। हाँ आपने बात जब खोल दी है तो अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद जी को बोला जा रहा है, लगातार चर्चाएं तेज है, स्ट्रीम मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है, क्या अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के राजा हैं वो अपना गढ़ मिल्कीपुर बचा पाएंगे, इसलिए ये सीट हो जाती है काफी खास, क्योंकि ये अपना गढ़ बचाने के लिए लड़ेंगे और बीजेपी अयोध्या में जो हारी है उसका बदला लेने के लिए लड़ेगी। तो मिल्कीपुर की जनता जो है वो क्या करने वाली है वो देखना है हमें, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, और आपके ही कमेंट के आधार पर एक कुछ बयान आया था भी, जैसे अयोध्या के राजा की जो चर्चा हुई तो कुछ जनता ही पीछे कई सारी वीडियो राजा पे भी, बीजेपी और सपा के भी नेताओं से हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है, तो उसमें उन्होंने चर्चाएं की कि अयोध्या का राजा श्री राम है और वो रहेंगे, बात रही अवधेश जी की तो अयोध्या की जनता ने उनको जिताया है, तो जनता राजा होती है, हमारा जो नेता तो है वो सेवक होता है। मैं भी बात को क्लियर करना चाहूंगा, जो जनता जो है वो आपको तय करती है, आपको प्रतिनिधि बनाती है और आपको विधायक बनाती है, आपको सांसद बनाती है, आपको पार्लियामेंट भेजती है, आपको विधानसभा भेजती है, आपको संसद में भेजती है, तो जनता तय करती है कौन बनेगा सीट पर, और प्रतिनिधि तय करती है वो अपना प्रतिनिधि, यानी कि आप को वो तय करती है कि आप उसके लिए काम करेंगे, तो आपको वो राजा नहीं बना रही है, अपने लिए जो काम करने के लिए जो प्रतिनिधि बनाया जाता है वो बना रही है। तो यहाँ पर अपनी बात को हम करेक्ट करना चाहेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार हम लोग अपने चैनल पर कवरेज दिखाने वाले हैं, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और बहुत सारी वीडियो मिल्कीपुर को लेकर हमने जो बनाई है आप जाकर देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर अयोध्या जिले की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी, मैं हूं दिग्विजय रघुवंशी, और हमारे साथ में है राहुल अयोध्यावासी। राहुल और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जैसा कि आप लोग सारी बातें बता भी दिए हैं, कई सारी वीडियो पीछे भी हैं, तो यही कहूंगा सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और जिन्होंने कमेंट भी किया है, और कोशिश करें वीडियो को शेयर करते रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने आसपास की खबरों के लिए आपकी आवाज़ हमारा चैनल उठाता रहेगा। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, धन्यवाद। और मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर की जनता जो है वो क्या खेला करने वाली है वो तो मिल्कीपुर की जनता जानती है, तो मिल्कीपुर की जनता इस बार चौंकाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। मिल्कीपुर की जनता जो है
बिल्कुल जोश में है, बिल्कुल अभी शांत है, और जो शांति के बाद का जो तूफान आता है वो देखने वाला होगा। ये कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहे हैं उसी से पता लग रहा है किस तरीके का भूचाल आने वाला है। आप लोग खुद जाके कमेंट में देखिए, हम बताएंगे तो बहुत सारा कमेंट है, उतना नहीं बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में जाके देखिएगा, अपना भी कमेंट करिएगा। और जो भूचाल आने वाला मिल्कीपुर में, वो आप लोगों के कमेंट से दिखाई दे रहा है, तो कमेंट करते रहिए, आप लोग कहाँ से हैं ये भी जरूर बताते रहिएगा, और मिल्कीपुर में आप लोग कहाँ से हैं, क्योंकि हम लोग कवरेज अब करेंगे तो आप लोगों के बीच में, आपके चौराहे पे, आपके बाजार में हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर देंगे तो आपसे हम बात भी करेंगे जरूर, और आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके बीच में पहुंचते रहेंगे। आपकी अयोध्या का चैनल है, आपका ही चैनल है, और आप लोगों को यदि कोई तकलीफ है, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई समस्या है, अयोध्या जिले को लेकर हम लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, कोई भी समस्या है तो अयोध्या की आवाज़ उठाने का हमारा काम है, अयोध्या के लोगों के लिए हमारा काम है, अयोध्या के लोगों के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे, और हमारी जो कोशिश है अयोध्या के लोगों को इंसाफ दिलाने की है। जो कई बार क्या होता है, समस्याएं होती हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो हम लोग लगातार आप लोगों की आवाज़ उठाते रहें, आप लोगों को न्याय दिलाते रहें। तो कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बात हमसे कर सकते हैं, तो हम लोग जरूर पहुँचेंगे आपके बीच में, और आपके लिए हम लोग काम करते रहेंगे, अयोध्या के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद।